सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित भगवत कथा जो कि सनातन धर्म में चल रही है उसके आज तीसरे दिन में महाराज श्री ने महाभारत के प्रसंगों को वर्णन करते हुए द्रौपदी के चरित्र की करुणा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया और जीवन में धर्म के मर्म को बहुत सूक्ष्मता से सरल भाषा में बताते हुए जीवन को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समाज सेवा आवश्यक बताते हुए महाराज श्री ने कथा के अंतिम दिवस 2 बजे से 6 बजे तक चलने वाले रक्तदान शिविर के लिए लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। आज की कथा में पंडित राज भारद्वाज जी, श्री बाबूराम कौशल, अनिल अग्रवाल आदि गणमान्य लोगों ने कथा में व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। मेरा नाम ईश कौशल है। कथा चल रही है आज कहाँ चल रही है? ये कथा सनातन धर्म में चले श्री जी सेवा समिति कराती है इस कथा को और पिछले लगभग 12 सालों से हम प्रतिवर्ष कथा कराते हैं महाराज श्री की, श्री महेश शास्त्री जी की। ये कथा श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, आज का तीसरा दिन है। तीसरे दिन है किसका है आज, और आज इसमें जो प्रसंग चल रहा है वो महाभारत से संबंधित प्रसंग चल रहा है आज का। और कल इसमें कृष्ण जन्म का प्रसंग होगा, राम जन्म होगा। इस बार हमारी कथा के मुख्य यजमान इंजीनियर भोपाल सिंह अहलावत जी हैं जो हाइडल में जयी रहे हैं। ये कथा परसों 14 मार्च से प्रारंभ हुई है और 20 मार्च को कथा का समापन होगा और 21 मार्च में भंडारा है।